Hello all, welcome to the video lecture series of BLSI technology. Subject code is KEC053 and here we are in lecture number 4. So in the previous lecture हम लोगों ने start किया था silicon wafer preparation और silicon wafer preparation में बहुत सारे steps हैं, मतलब हमने वहाँ पे list किया था और उसमें हमने पहला step cover किया था what is EGS electronic grade silicon क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है और उसमें अंदर व्हाट इज MGS कॉन्सेप्ट मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन क्या है, द फर्स्ट स्टेप टू प्रोड्यूस द EGS और देन उसके बाद केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम लोगों ने EGS को डेवलप किया था. नाउ अब यहाँ जो EGS हमें मिला है, अब इस EGS से जो सेकेंड स्टेप आता है जो हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं दैट इज CZ मैथड, सीजो चोराल्स्की मैथड की हम बात करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्या एपरेटस यूज होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है CZ मैथड में क्या एपरेटस यूज होता है एंड व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीजो चोराल्स्की मैथड दैट इज कॉल्ड CZ मैथड. सो CZ method is basically process used to grow most of the crystal from which silicon wafers are produced. या ये कह सकता हूँ कि silicon wafer बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें silicon crystal चाहिए, अभी तक तो हमें क्या मिला है that is EGS. अब इस EGS से जो basically silicon crystal बनेगा, silicon wafer की form में आएगा, so उस crystal को generate करने का, उसको हम बोलते हैं basically ingot भी बोलते हैं. इस ingot को generate करने का जो सबसे पहला step है या सबसे popular step है that is called the CZ method, Czochralski method to generate the silicon ingot from which silicon wafer are produced. ओके, सो इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है दैट इज अवर सीजो चोराल्स्की क्रिस्टल ग्रोथ अपरेटस दैट इज CZ अपरेटस. तो ये आपका अपरेटस है जो कि आपके पेपर में एज इट इज डिजाइन करने को आता है, मतलब एज इट इज आपको ड्रॉ करना होता है. और CZ मैथड बहुत बार, मतलब आप ये मान के चलिए 99% आपके सिलेबस में मतलब पेपर में आना ही आना है. ठीक है, चाहे वो सेक्शन ए में, सेक्शन बी में पूछा जाए, सेक्शन सी में पूछा जाए और कहीं पे भी आपको CZ मैथड की जरूरत पड़ सकती है. सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. सो दिस इज द ऑपरेटस व्यू. ये हमारा ऑपरेटस है जो कि मेनली 4 सेक्शन में डिवाइड होता है. अगर आप इसको मैं एक साथ याद करने की कोशिश करूं तो शायद नहीं होगा, बट अगर इसको हम वही स्टेजेस में ब्रेक कर लें तो हमें इजी लगता है. तो व्हाट आर द 4 स्टेजेस? सबसे पहली चीज, इस ऑपरेटस को पोलर ऑपरेटस भी बोलते हैं and this apparatus is further divided into 4 parts. What are the 4 parts? Furnace, crystal pulling mechanism, ambient control and the control system. ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं furnace की, तो furnace क्या है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे there is a square box type का यहाँ पे एक box बना हुआ है, this is basically furnace portion. इस furnace portion में सबसे पहले आपको वो part चाहिए जहाँ पे आपको EGS को रखना है, तो that is our crucible जिसके अंदर melted form में आपका जो हमने EGS ready किया था from step number 1 वो यहाँ पे रखा जाता है. अब इस क्रूसिबल को सपोर्ट देने के लिए एक यहाँ पे इसका सपोर्टर लगा होता है. दिस सपोर्टर इज कॉल्ड क्रूसिबल सपोर्टर एंड नोन एज ससेप्टर. सो दिस इज द क्रूसिबल सपोर्टर कॉल्ड एज अ ससेप्टर. ओके, देन इफ इट इज अ फर्नेस, हम फर्नेस बोल रहे हैं तो इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे हीटर भी चाहिए. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दीज आर कॉल्ड हीटर जो कि आपके दोनों साइड में फर्नेस के प्रोवाइड कराए गए हैं. ये आपका एक तरह से फर्नेस चैम्बर हो गया. ठीक, और इस फर्नेस में जो आपने हीटर को प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया ताकि ये जो हीट है ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक ना पहुंचे. एंड टू मेंटेन और टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ दिस फर्नेस और टू सी द टेम्परेचर, ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ दिस फर्नेस कि कितना टेम्परेचर फर्नेस में है, देयर इज अ टेम्परेचर सेंसर अप्लाइड ओवर हियर जो कि एक तरह से कंट्रोल सिस्टम के पार्ट में आ जाएगा. सेंसर्स जो यहाँ पे लगे हैं वो एक तरह से कंट्रोल वाले पार्ट में जाएगा. तो फिलहाल अभी जो मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा था, दिस इज बेसिकली फर्नेस, कंसिस्ट ऑफ वन इज द क्रूसिबल, देन क्रूसिबल सपोर्टर और क्रूसिबल सपोर्टर दैट इज योर ससेप्टर, देन हीटर एलिमेंट चाहिए और रोटेशन मैकेनिज्म. तो ये सारा का सारा आपका पार्ट है इस फर्नेस का. ठीक है, देन क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म. अब दूसरा पार्ट क्या है, हमने क्रिस्टल को इसमें डिप कराना है. तो देयर इज अ शाफ्ट. ठीक है, यहाँ पे एक शाफ्ट लगी है जिसमें आगे यहाँ पे एक सीड क्रिस्टल लगा होता है जो कि बेसिकली इस मेल्ट में डिप होने वाला है. तो दिस कंसिस्ट ऑफ अ सीड शाफ्ट एंड अ रोटेशन मैकेनिज्म एंड सीड चक. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड चक. तो सीड शाफ्ट एंड चक, दिस इज पार्ट इज सीड शाफ्ट एंड चक एंड दिस इज द रोटेशन मैकेनिज्म जिसके थ्रू बेसिकली ये शाफ्ट जो है रोटेट करती है. ठीक है, यहाँ पे क्रूसिबल रोटेशन मैकेनिज्म है, यहाँ पे आपका शाफ्ट रोटेशन मैकेनिज्म है। तो ये फर्नेस के पार्ट के अंदर है, ये आपका अलग सेकंड पोर्शन है, दैट इज क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म। सो दो पार्ट अभी तक हमने क्लियर करे, वन इज द फर्नेस पोर्शन, वन इज द क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म फर्नेस पोर्शन। देन द थर्ड पार्ट इज एम्बिएंट कंट्रोल। अब क्या होता है, जब यहाँ से आपका जो क्रिस्टल है, जो इनगॉट है, जब ये प्रोड्यूस होगा तो इसको मुझे कूल करना होगा। तो कूल करने के लिए यहाँ से आपका इनलेट चैम्बर दिया गया है, जहाँ से हम गैस को इनलेट कराते हैं मेनली ताकि हमारा क्रिस्टल कूल हो सके। और वही आपका एग्जॉस्ट भी होगा, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट कंट्रोल भी है, एग्जॉस्ट वैक्यूम पंप। तो ये दोनों जो कंट्रोल हैं, दिस विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्बिएंट कंट्रोल। एंड द लास्ट थिंग दैट इज योर कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे कंटेन करता है माइक्रो प्रोसेसर एंड वेरियस सेंसर्स। सेंसर कौन कौन से हैं, लाइक जो मैं बात करता है, एक तो टेम्परेचर सेंसर टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, और दूसरा यहाँ पे एक सेंसर लगता है डायमीटर कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड द व्यू पोर्ट, जहाँ पे हम जो यहाँ पे सिलिकॉन इनगॉट प्रोड्यूस होगा दैट इज इन सर्कुलर शेप। अभी क्यों प्रोड्यूस होगा वो उसकी मैकेनिज्म में देखेंगे, बट जो सर्कुलर शेप में हमारा डायमीटर, मतलब एक तरह से इनगॉट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके डायमीटर को कंट्रोल करने के लिए यहां पे लगा होता है एक सेंसर फॉर डायमीटर कंट्रोल। तो दिस इज पार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एंड द पावर सप्लाई, जिसके थ्रू आपका ये सारा का सारा सिस्टम ऑब्जर्व और कंट्रोल होता है। सो आई होप कि आपको इस सिस्टम अब आप इजिली वहां पे अपने पेपर के फॉर्म में बना सकते हैं, अगर ये सीजर चराल्स्की मेथड एक्सप्लेन करने के लिए आता है। सो नाउ दिस इज द ऑपरेटस एक्सप्लेनेशन कि ऑपरेटस में क्या क्या पोर्शन है। अब अगर मैं वर्किंग ऑपरेशन की बात करूं तो वर्किंग मैकेनिज्म और भी सिंपल है कि सिंपली हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था हमारा EGS जो हमारा आया था वो हमें यहाँ पे रख देना है। तो डैट मीन्स in this a highly purified 99.99% polycrystalline silicon together with an appropriate amount of dopant is put in a quartz crucible। so जो हमने EGS यहाँ पे प्रोड्यूस किया था वो EGS आपका इस क्रूसिबल में रखा हुआ है, और मेल्टेड फॉर्म में नहीं कह सकते, EGS फॉर्म में EGS आपने यहाँ पे रख दिया। and this crucible is placed into a what? into a furnace। so this is then placed in a furnace। अब फर्नेस में क्यों रखा, ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सके। सो द मटेरियल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ द सिलिकॉन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1420 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसका टेम्परेचर इतना हाई कर रहे हो कि वो सिलिकॉन के मेल्टिंग टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, सो दैट दिस EGS बिकम स्टार्ट्स मेल्टिंग, ये मेल्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब जब ये मेल्ट फॉर्म में आ जाएगा तब उसके बाद यहाँ से हमें शाफ्ट को, जिसमें क्या आगे क्या लगा हुआ है, एक सीट चक लगा हुआ है, इसको इसके अंदर डिप करेंगे। तो स्मॉल सिंगल क्रिस्टल रॉड ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड अ सीड क्रिस्टल इज देन डिप्ड इनटू द सिलिकॉन मेल्ट एंड स्लोली पुल्ड आउट। अब आपने इसको स्लोली बाहर निकालना है। अब जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रोटेशन मैकेनिज्म लगाई गई थी और यहाँ पे क्रूसिबल रोटेशन मैकेनिज्म लगाई गई है, तो क्रूसिबल और ये शाफ्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर ये सपोज क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। सो डैट ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिससे कि हमारा जो इनगॉट प्रोड्यूस होगा डैट विल बी ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द वर्किंग मैकेनिज्म कि हमारा शाफ्ट और जो क्रूसिबल है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं टू प्रोड्यूस अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इनगॉट। देन ये जो यहाँ पे इनगॉट प्रोड्यूस होगा, ये इनगॉट यहाँ से इसे बोला जाता है पल्स ट्यूब, दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द चेम्बर, जिसमें कि आपका एम्बिएंट गैस को यहाँ से इनबिल्ट कराया जाता है, जिससे इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल टू कूल इट डाउन। सो यहाँ पे इस क्रिस्टल को कूल करने के लिए यहाँ से आपका एम्बिएंट गैस से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस में डाली जाती है टू कूल डाउन दिस सिलिकॉन क्रिस्टल। सो दिस इज द मैकेनिज्म। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई हो कि आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज द सीजेड मैथड, व्हाट इज द ऑपरेटर्स यूज्ड इन दिस मैथड एंड व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, जो मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी लूज में मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि आप ये चीज वहाँ पे पेपर में अटेम्प्ट कर सकें। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, द नेक्स्ट इज सिलिकॉन शेपिंग ऑपरेशन। अब जब हमें इनगॉट मिल गया, क्रिस्टल ग्रो हो गया, क्रिस्टल मिल गया, सो इस इनगॉट को हमें शेपिंग करना होता है, लाइक ट्रिमिंग है, ग्राइंडिंग है, स्लाइसिंग है, एचिंग है, देयर आर सो मेनी शेपिंग ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे टू गेट द क्लीन वेफर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।